हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन अजर्शन टीनो फोर शो मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये सिलेंड्रेट्स की होती है, निडेरियंस की होती है। निडेरियंस शो करते हैं ये ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ओके, टीनोफोर्स में क्या देखा जाता है? बायोलुमिनेसेंस होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करते हैं ना, वो वाली प्रॉपर्टी देखी जाती है इनके अंदर। कॉम्प्लेट्स मिलते हैं, एक्सटर्नल रोज ऑफ 8, एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स। तो यहाँ पर मेटाजेनेसिस टीनोफोर्स शो नहीं करते, ये इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट दिया है रीजन में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप्स सेक्सुअली। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आप क्या देख रहे हैं, जो पॉलिप है, पॉलिप वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेड्यूसा, ठीक है। और कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली। ओके, मेड्यूसा गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। तो सेक्सुअली मेड्यूसा क्या बना रहा है, ये बना रहा है पॉलिप। ओके, तो यहां पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। अजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, इनकरेक्ट हो जाएगा। बोथ अजर्शन रीजन आर द ट्रू, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, ये भी इनकरेक्ट है। Assertion is true, reason is false, reason false नहीं है। Assertion is false, reason is true. Option D is correct here. इसके regarding information, New NCERT class 11, page number 41 and 42 पर given है।